नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों डेंगू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और अगर डेंगू हो जाए तो ऐसे में इलाज भी काफ़ी लंबा चलता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो आयुर्वेद ने डेंगू के लिए बहुत अच्छे प्रयोग बताए हैं, जिसमें से कि दो प्रयोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए देख लेते हैं दोस्तों क्या प्रयोग है। जो पहला प्रयोग है पपीते के दो पत्ते लेकर के है, पहले पत्तों में से डंडियां निकाल लें और बाद में इन पत्तों का रस निकाल लें और दिन में दो बार इस रस का सेवन करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। और जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो इस तरह से है, पपीते के 3 ताज़े पत्ते लें और 2 चम्मच आपका पसंदीदा कोई भी फ्रूट जूस ले लें, और पहले पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और इसमें 2 चम्मच फ्रूट जूस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 हफ्ते के लिए दिन में 2 बार इस पेस्ट का सेवन करें, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो दोस्तों डेंगू का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लेकिन साथ में आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप ये ज़रूर करके देखें अगर आपको कभी डेंगू का सामना करना पड़ता है तो, और आपके कोई मित्रगण है उनसे भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों आपके कोई फीडबैक कमेंट्स आ दिए तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।